देखिए थोड़ा सा मैं ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ बिकॉज इससे पहले मैंने आपको मोलर मास मोल निकालना दिखा सिखा दिया है ना तो इसी नोमरिकल को मैं मतलब रिक्वायर्ड नहीं है बट थोड़ा ज़्यादा डिटेल में समझा रहा हूँ है ना देखिए अगर पहला कंसेप्ट आपको समझ आ गया तो अब ये समझ आ जाएगा देख लीजिए मैन थ्री ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न इन एट ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इलेवन ग्राम ऑफ सी ओ टू इज प्रोड्यूस्ड इसको आराम से समझते हैं देखिए तीन ग्राम कार्बन है कार्बन का जो मोलर मास है वो बारह ग्राम पर मोल होता है ये बात समझ आ गई डाउट है अब ये एक एक फार्मूला है फार्मूला समझ लीजिए कभी भी आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो जितनी भी क्वांटिटी आपको ग्राम्स में दी गई है जितनी क्वांटिटी भी ग्राम्स में दी गई है। उसको डिवाइड कर दीजिए मोलर मास है तो ग्राम में क्वांटिटी अपॉन ग्राम पर मोल तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे इस फॉर्मूले में कोई डाउट है फॉर्मूले का मतलब क्या हुआ तीन ग्राम कार्बन के अगर मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाल हैं थोड़ा दिमाग लगाइए सो तीन ग्राम अपॉन बारह ग्राम पर मोल तो वन फोर्थ ऑफ कार्बन आपने लिया वन बाय फोर मोल ऑफ कार्बन लिया इसमें कोई डाउट है? वो भाई डाउट है क्या ये नुमेरिकल करने हैं तो न तो समझ ले कोई डाउट है तो अभी पूछ ले तो कभी भी अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाते हैं जितनी क्वांटिटी आपको दी है ग्राम्स में उसको डिवाइड कर दीजिए मोलर मास से बात खत्म उतने नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे यहां तो कोई डाउट है तो तीन ग्राम कार्बन कितने मोल्स हुआ वन बाय फोर मूल कोई डाउट है डाउट नहीं है तब आगे चलूंगा बर्न इन एट ग्राम ऑफ ऑक्सीजन अब देखिए ऑक्सीजन का जो मोलर मास है वो थर्टी टू ग्राम पर मोल होता है ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का जो मोलर मास है वो सिक्सटीन इंटू टू थर्टी टू ग्राम पर मोल होगा ये बात समझ गई तो अगर आपके पास आठ ग्राम ऑक्सीजन है आठ बटे बत्तीस तो वन बाय फोर हो गया वन बाय फोर मोल ऑफ ऑक्सीजन हो गया यहां तो कोई डाउट है पक्का उससे कितना बना ग्यारह ग्राम ऑफ सीओ टू बना अब सीओ टू का जो मोलर मास है सीओ टू का जो मोलर मास है वो बारह प्लस ट्वाइस ऑफ सिक्सटीन फोर्टी फोर ग्राम पर मोल है यहां तक कोई डाउट है तो तो 11 ग्राम CO2 टू मतलब फिर से वन बाई फोर मोल सीओ टू यहां तक डाउट है भाई तेरा डाउट है तूने क्वेश्चन करने है इस पर आंसर देख अगर यहां तक डाउट नहीं है तो इस इक्वेशन को देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज टू बैलेंस्ड इक्वेशन है अब आज के बाद इस इक्वेशन को आप कैसे देखेंगे इसका मतलब क्या हुआ वन मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट विद वन मोल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वन मोल ऑफ सी टू ये बात समझ में आई कोई डाउट है एक आप वेट कर रहे हैं मेरा आपने जाना है करिए मैडम अब जैसे ये एन टू प्लस एच टू इज एन एच थ्री है इसमें अभी आप मोल्स डिस्कस नहीं कर सकते क्यों क्योंकि ये बैलेंस नहीं है तो इससे पहले आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा तो ये दो और ये तीन यहां तक ठीक बैलेंसिंग करा देंगे चिंता मत कीजिए बट ये समझ लीजिए कि बैलेंस्ड इक्वेशन ही लेनी है बैलेंसिंग करा देंगे वो कुछ चक्कर नहीं है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ वन मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विद थ्री मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस टू प्रोड्यूस टू मोल्स ऑफ अमोनिया ओ भाई ये तरफ क्या मैंने बोला रिपीट कर इस इक्वेशन के बारे में क्या बोला रिपीट कर जहां तक हो सके पूरा बोलिए वन मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विद विद्री मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस टू प्रोड्यूस टू मोल्स ऑफ अमोनिया गैस रहते कोई डाउट है बैलेंस इक्वेशन होनी चाहिए कोई दुख तकलीफ वेदना याद तक ठीक लंबा रास्ता ले रहा हूं तो एक मोल कार्बन एक मोल ऑक्सीजन विल गिव वन मोल यू टू यह समझ आ गया तो इस लाइन में जो लिखा था तीन ग्राम आठ ग्राम ग्यारह ग्राम तो वो ठीक था क्यों क्योंकि उसमें ये लिखा था कि वन बाय फोर मोल ऑफ कार्बन प्लस वन बाय फोर मोल ऑफ ऑक्सीजन विल गिव वन बाय फोर मोल ऑफ सीओ टू यहां तक मेरे साथ है आपको सिर्फ ये याद रखना है जब भी आप इक्वेशंस के साथ डील कर रहे हैं कि आपने हमेशा जो काम करना है बैलेंसड होना चाहिए और जो आप काम करेंगे वो नंबर ऑफ मोल्स में काम करेंगे ये बात समझ आ गई तो अगर ग्राम्स आपको दिए होंगे तो आप क्या करेंगे उनको किसमें कन्वर्ट करेंगे उसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे यहां कोई डाउट है मिस्टर थरू को डाउट है तो पहली लाइन जो लिखी हुई है वो बेसिकली ये लिखी हुई है कि एक बटा चार मोल कार्बन का एक बटा चार मोल ऑक्सीजन का और एक बटा चार मोल CO2 टू का वो जो लाइन लिखी है बिल्कुल ठीक लिखी है ये बात समझ में आ गई जो आपकी बुक में लिखा है उससे एक्स्ट्रा करा रहा हूं बिकॉज उससे पहले हमारा मोल कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन हो चुकी है ये बात समझ में आ गई अब सेकंड लाइन देखिए व्हाट मास ऑफ सीओ टू विल बी फॉर्मड थ्री ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्नड इन फिफ्टी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन बहुत बढ़िया वो जो तीन ग्राम कार्बन है उसके जो मोल्स है वो तो वन बाई फोर मोल्स है ही है आपने पहली लाइन में निकाल लेते अब आपको पचास ग्राम ऑक्सीजन को मोल्स में कन्वर्ट करना उसका फॉर्मूला क्या है जो भी आपकी क्वांटिटी है पचास ग्राम ऑक्सीजन है ना पचास ग्राम ऑक्सीजन को मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ डिवाइड कर देंगे 1.56 मोल आ जाएगा ये 1.56 मोल किसका है ऑक्सीजन का कोई डाउट है पक्का तो आपके पास वन बाय फोर मोल कार्बन है 1.56 मोल ऑक्सीजन है ये बेसिकली 0.25 मोल कार्बन है ना 0.25 मोल कार्बन है और 1.56 मोल ऑक्सीजन है ये रिएक्ट करके कितना CO2 बनाएंगे यार अब इसमें ना जो बात आपको समझनी पड़ती है वो ये समझनी पड़ती है कि ऑक्सीजन अगर ज्यादा है कार्बन तो उतना ही है भैया थर्फ क्या बात चल रही है कार्बन जीरो पॉइंट टू फाइव मोल है पॉइंट टू फाइव मोल कार्बन जो है वो रिएक्ट कितने ऑक्सीजन के साथ करेगा वो फाइनली पॉइंट टू फाइव मोल ऑक्सीजन के साथ ही करेगा बाकी जो ऑक्सीजन है उसके लिए जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कार्बन चाहिए वो तो है ही नहीं नहीं समझ में आया रिपीट करूं यार लेट अस अज्यूम कि आपके पास ऐसे मान लीजिए चार ब्रेड स्लाइसेस हैं लेट अज्यूम और एक सैंडविच बनाने के लिए आ, आपको दो पोटैटो चाहिए एक सैंडविच बनाने के लिए दो आलू चाहिए चार ब्रेड स्लाइसेस हैं, दो पोटैटो चाहिए और दो ब्रेड स्लाइसेस चाहिए यह बात समझ आ गई आपके पास नाइन हैं। बात पकड़ में आ रही है तो कितने सैंडविच बना पाएंगे वो रैंडमली कुछ भी बोलता रहेगा उसको इग्नोर कीजिए वो नींद में उसकी चिंता कीजिए एक सैंडविच बनाने के लिए दो ब्रेड पीस चाहिए दो आलू चाहिए अब आपके पास चार ब्रेड स्लाइसेस हैं और नौ आलू हैं तो कितने सैंडविच बना पाएंगे ब्रेड पीसेस कितना चार है। तो चार ब्रेड में दो दो ले लिए दो ले लिए उनमें आलू कितने डल गए पहले में दो डल गए दूसरे में भी दो डल गए तो कितने आलू डल गए चार डल गए तो चार ब्रेड प्लस चार पोटेटो आपने यूज कर लिए कितने सैंडविच बन गए दो सैंडविच बन गए कितना माल बच गया पांच आलू बच गए ये माल बच गया ना आपका तो अब यहां पर आपके पास है तो 1.56 पॉइंट मोल ऑक्सीजन बट आप कितने के साथ रिएक्ट कर पाएंगे सिर्फ 0.25 के साथ भाई कर पाएंगे न? तो कितने मोल सीओ टू बनेगी बनेगी फिर से 0.25 मोल सीओ टू वो ऑक्सीजन जो है 1.31 मोल ऑक्सीजन जो है वो बची रहेगी नहीं नहीं वो अलग बात है वो अलग बात है कंटेनर में जो आप लेंगे वो अलग बात है 1.31 मोल ऑक्सीजन जो है वो बची रहेगी नहीं समझ में लंबा रास्ता लिया इस क्वेश्चन को समझाने के लिए बेसिकली जब आप तीन ग्राम कार्बन लेंगे और पचास ग्राम ऑक्सीजन लेंगे तो फिर से ग्यारह ग्राम CO2 टू बनेगी नहीं समझ में आया? रिपीट करूं हाँ, देखिए तीन ग्राम कार्बन लिया था आठ ग्राम ऑक्सीजन लिया था तो ग्यारह ग्राम सीओ टू बनी थी अब आपने तीन ग्राम कार्बन लिया तो वो कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा वो फिर से आठ ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा और बनेगा कितना ग्यारह ग्राम सीओ टू बनेगा सीओ टू फिर से ग्यारह ग्राम ही बनने वाला है बाकी की जो ऑक्सीजन आपने ली है मतलब फिफ्टी माइनस एट जो है मतलब 42 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो ऐसी की ऐसी उस कंटेनर में पड़ी रहेगी वो अनरिएक्टेड रहेगी भाई थर ये तेरे क्वेश्चन चल रहे हैं वो अनरिएक्टेड है भाई अरे तेरे डाउट है रिपीट कर दू जीरो पॉइंट टू फाइव मोल कार्बन है वो 0.25 ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करने वाला है अगर आप 1.56 मोल ऑक्सीजन को पूरा रिएक्ट कराना चाहते हैं तो आपको कार्बन कितनी लानी पड़ेगी आपको 1.56 मोल कार्बन लेकर आनी पड़ेगी और उससे 1.56 मोल CO2 बनेगी नहीं समझ में लंबा रास्ता ले लिया जरूरी नहीं था बट ले लिया यहां तो कोई डाउट है थोड़ा ज़रूरत से ज्यादा भाई रित्र आपको करा दिया क्योंकि आप समझदार हैं और आपके बाजू में जो लड़का बैठा है उसका सिलेबस है यहीं से एक फॉर्मूला और निकल जाता है कि अगर आपने क्वांटिटी इन ग्राम निकालना हो तो वो क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू टू मोलर मास नहीं समझ में So, कहने का मतलब अगर आपको जैसे यहां लिखा हुआ, हुआ है ना वन पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है वन पॉइंट फाइव सिक्स मोल ऑक्सीजन है इसका आपने मास निकालना है तो वन पॉइंट फाइव सिक्स मोल्स इंटू थर्टी टू जितना ये आएगा उतने ग्राम आपके पास ऑक्सीजन है नहीं सोचना गुरु जी वही बता रहा हूं ये देखिए आप फिर से देखिए अरे आपके पास आलू आलू वाला एग्जाम्पल तभी तो लिया था ना आप आलू आप एक्स्ट्रा ले आए बट जो लिमिटेड रिएक्टेंट है आप आलू ब्रेड वाला समझिए उससे आपको समझ आएगा ये देखिए ये आलू ब्रेड वाला समझिए इससे जल्दी समझ आएगा ओ भाई मंत्र बोल रहे हो क्या नहीं, दस मिनट से तो मंत्र बोल रहे हो क्लास में आते हो काम शुरू कर दिया करो यार बैठ के इधर उधर मत देखा करो दीवारों का कलर देख लो अध्यापक की लोंगी देख लो कॉन्ग्रेचुलेशन सर यू हैव वन टेन थाउजेंड रुपीज नेक्स्ट ईयर की डिस्काउंट आपको मिल जाएगा फीस में काम शुरू कर दिया करो बैठे इधर उधर तो दीवारे में देखा करो फिर से देख लीजिए अरे तो भाई आपको सैंडविच बनाने के लिए दो आलू और दो ब्रेड चाहिए आप जबरदस्ती ले आए नौ आलू और चार ब्रेड स्लाइस तो बनने वाले तो दो सैंडविच ही हैं भाई पांच आलू जो हैं वो एक्स्ट्रा है तो जो लिमिटेड रिएक्टेंट है इसको बोलते हैं लिमिटेड रिएक्टेंट लिमिटेड रिएक्टेंट मतलब जो कम क्वांटिटी में है वो चार ब्रेड है नहीं समझ में ओ गुरु, पांच नंबर का हो गया तेरा काम आज तो भाई अरित्र आ, मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं अब आपके क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए तीन ग्राम कार्बन आठ ग्राम ऑक्सीजन ग्यारह ग्राम सीओ टू ठीक है अब आपने तीन ग्राम कार्बन लिया यार तीन ग्राम कार्बन जो है वो फाइनली आठ ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही जलने वाला है और वो फिर से ग्यारह ग्राम सीओ टू ही बनाने वाला है आपने ये जो ऑक्सीजन एक्स्ट्रा ली हुई है वो ऐसी ऐसी कंटेनर में ये फोर्टी टू ग्राम बयालीस ग्राम जो ऑक्सीजन है वो कंटेनर में ऐसी पड़ी रहेगी ये बेसिकली जो ऑक्सीजन है ये आपके आलू है ये ऐसे पड़े रहेंगे नहीं समझ आया इस नोमरिकल को नाइन्थ क्लास के लेवल से ना करके टेंथ क्लास के लेवल पे समझाया गया आई होप आपको समझ आ गया हो आपको बेसिकली ये जो आपके साथ सज्जन बैठे हैं इनका एक टॉपिक है लिमिटेड रिएक्टेंट उनको तो शायद समझ आया नहीं है, आई थिंक आपको आ गया होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट कई बार क्या होता है जैसे हमने अभी किया ना एन टू प्लस एच टू थ्री तो क्या था बैलेंसिंग ऐसी थी ना अभी इनकी जो रेशो है मित्र वो वन इज टू थ्री होनी चाहिए मोल्स की मतलब सुन लिया थर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की मोलर कंसेंट्रेशन की जो रेशो है मोलर मैं मोल बता रहा हूं मास नहीं बोल रहा मोल की जो रेशो है वन इज थ्री होनी चाहिए अब इनमें से मोलर रेशो में जो कम रह जाएगा वो लिमिटेड रिएक्टेंट बन जाएगा एक मोल नाइट्रोजन तीन मोल हाइड्रोजन दो मोल अमोरिया बनाएंगे ये इनके मोल्स की रेशो है बार बार, बार 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 मैं बोल रहा हूं मोल्स की रेशो भाई मास में करने की कोशिश मत करना इसको नहीं तो नहीं होगा जो भी मासेज है उनको मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा समझ आ गया यार मैंने तो आपको ये भेज दिया है इसमें से ये जो क्वेश्चन है ये अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो कर पाएंगे ये वाला आ, ये मैग्नीजियम वाला और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला ये दोनों क्वेश्चन आप कर पाएंगे और ये वाला जो है ये फिर से टाइप सी है ये आपको नेक्स्ट वीक करा देंगे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय वेट ये नेक्स्ट टाइम करा देंगे हाँ बस ये थोड़ा सा करके आपको ग्रेविटेशन करा देंगे बात समझ में आ गई और करते रहिए यार सोचते रहिए जो भी करना आपने और सोचते रहिए सेकंड और फोर्थ आपका होमवर्क है और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपने करने हैं समझ गया ठीक है छुट्टी जाए